थोड़ी मेहरबानियां। आप ही ओफो, एक तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, पूरा घर देख लिया मैंने। आप ही मेरी बात तो सुने। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है मेरा दिमाग पहले ही खराब हुआ हुआ है। आप ही मुझे आपका ड्रेस चाहिए था। पहनना तो पहन लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? दो सेकंड के लिए इस घर में नहीं कोई अकेला छोड़ सकता, जाओ अब यहां से। पैसे मांगने आई होगी, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, समझे? अम्मी पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप ही ने डांटा है। वो तो कभी नहीं डांटती तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया उनको, ना गुस्सा कर रही है। जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी। नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। पता नहीं क्यों गुस्सा किए जा रही है, मूड इतना खराब है उनका। बेटा बड़ी बहन है, ऑफिस आके वो थक जाती है ना, जरा ख्याल रखा करो ना उसका। अम्मी आप ही पहले भी तो काम करती थी, इतना थक जाती थी लेकिन मुझे डांटती तक नहीं थी, और आज तो उन्होंने मुझे इतना डांटा है कि बस। अच्छा बस करो, समझाऊंगी मैं अकरा को। अब तुम दोनों इस तरह मत लड़ा करो, बहनें नहीं लड़ती। जाओ जाके पढ़ो, बात करूंगी मैं अकरा से। क्या बात है, बड़ी चुप तुम बैठी हो। हाँ यकरा का आज मुझे मूड कुछ सही नहीं लग रहा, इलावा जब वो अस्मा को झड़कने लगी। क्या हो गया? मुझे लगता है कि मेरी बात उसे बुरी भी लगी है। बात तो तुमने ऐसे किसी बुरी लगने वाली, क्या जरूरत थी उसे मना करने की? उसने जूता खरीद लिया था, पूरा स्टोर जूतियों से भरा पड़ा है, क्या जरूरत थी उसे 900 रुपए की जूती लेने की? घर के खर्चे का क्या होता? मना किया तो क्या गलत किया मैंने? बिल्कुल गलत किया। वो अब अपने पैसे कमाती है, समझ लो। छोटी छोटी बातों से इस तरह टोकोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी? कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होगी, बेटी हमारी अगर कमाती है तो हम उसकी कमाई से कोई ऐश नहीं कर रहे। घर का खर्चा चलाती हूँ मैं बड़ी बचत करके, दो दो तो कमेटियां डाली हुई है मैंने,
सिर्फ इसलिए कि बचत करके उसके काम आएंगी। उसे थोड़ी सी आजादी दो, जेब खर्च दिया करो उसे थोड़ा। आप भी तो अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ पे ला के रख दिया करते थे ना। ये मेरा फर्ज था, उसे घर नहीं चलाना है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं करता था, तुम्हें देता था। शुक्र करो, एहसान मानो उसका कि वो पैसे कमा कर ला के दे रही है, समझी? एहसान मानो। लड़कियों का काम नहीं होता है सब कुछ करना। अरे कब आई आप? अभी अभी पहुंची हूँ। वो सब ठीक था? हाँ सब ठीक था, पहले मुझे पानी पिलाओ तुम, जाओ। जी ये लीजिए। शुक्रिया बेटे। तो फिर क्या कहा मामा मम्मी ने? मैंने फारूक भाई से कह दिया कि इकरा मेरी अमानत है उनके घर, जब भी उसकी शादी होगी मेरे आयाज से होगी। फिर क्या फारूक भाई मान गए? और मामी जी? अरे आलिया भाभी तो वही करती हैं जो फारूक भाई उनसे कहते हैं। वैसे उनको इकरा से पूछ लेना चाहिए था। से पूछ लेना चाहिए था? अरे इकरा बहुत साधनमंद बच्ची है, वो वही करेगी जो उसके माँ बाप उसको कहेंगे करने, और वैसे भी पहले तो वो मान गई थी ना। हाँ अम्मा, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। पहले की बात कुछ और थी, क्या मतलब? पहले इकरा जॉब नहीं करती थी, मामू को उससे पूछ लेना चाहिए था। फारूक भाई ने जब मुझसे बात की है तो उनको भरोसा है ना अपनी बेटी पे, तभी उन्होंने ऐसी बात की है, और वो उससे बात कर लेंगे, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। चलो मुस्कुरा दो, अच्छी खबर लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। ठीक है आप कहती हैं तो फिर सही हो। इकरा अजीब लड़की है ये, लंच नहीं लेके गई, अब सारा दिन भूखी रहेगी। करीम अभी चाय बना के क्यों ले आए हो? तुम्हें पता है मैं रोज 1 बजे पीती हूँ, तो आज भी 1 बजे ही पीऊंगी ना। ये दे दो अब किसी और को। कासिम साहब, 2 दिन से मुझे क्लाइंट की कॉल आ रही है, एक ईमेल नहीं की जा रही आपसे, एक वाउचर रेडी नहीं हो रहा, कितना टाइम लगेगा? सॉरी कल कर दूंगा मैं। कल नहीं करेंगे आप, आज करेंगे, मुझे शाम से पहले चाहिए हर हाल में। ओके कर दूंगा आज ही कर दूंगा। बाय द वे सरक बन ने अपनी फाइल दी थी, थोड़ा सा आप देख लें। देख लेती हूँ मैं। सुनो क्या बात है? कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जिसको तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम छुपा नहीं पा रही, क्योंकि तुम अपने जज्बे छुपा नहीं सकती और वो तुम्हारे चेहरे पे नेविन साइन की तरह अटक जाते हैं। बड़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में। बिल्कुल, हम इतने महीने से साथ काम कर रहे हैं, और वैसे भी मैं तो लोगों को जानने के बारे में बहुत माहिर हूँ,
और तुमको जानना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। यार कल वो जो मैंने सैंडल नहीं लिया था, बस वो मैंने घर जाके दिखा दी तो एक तूफान शुरू हो गया। इतनी महंगी जूती ले ली, 900 की जूती को लेता। बस इतनी सी बात थी, इस बात पर अफसरदा थी तो। वैसे एक बात है कि आंटी की बात भी सही थी। हाँ तुमने तो मुझे कहा था कि हमारी कमाई पे अपना भी हक होता है, स्टेटमेंट बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे मैंने कब किया? अच्छा देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात कह रही थी कि देखो इकरा, हम जिन घरों से आते हैं ना, वहां से हमें नौकरी की इजाजत सिर्फ इस बुनियाद पर मिलती है कि हम पाई पाई कमाकर उनके हाथ पे रखेंगे। अब देखो, हम ये जॉब शौकिया तो कर नहीं रहे, अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करने के खातिर हम ये जॉब करते हैं। अब पूछ गछ करना तो उनका हक बनता है यार। और हमारा हक? हमारा हक, हमारा हक हमें थोड़ी चलाकी से और थोड़ी होशियारी से हासिल करना पड़ता है। क्या मतलब? देखो इकरा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इंक्रीमेंट वाली बात घर पे नहीं बताना, लेकिन तुम भी ना अब मुंह लटका के बैठी हुई हो। मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। अच्छा सुनो, परेशान नहीं होना यार, बोनस मिलने वाला है, उसमें से थोड़े पैसे अपने लिए भी रख लेना। बोनस मिलने वाले? वाकई? हाँ सर, जब बात बता रहे थे। यार अच्छा है ना, अम्मी कब से परेशान हो रही थी, वो कह रही थी कि पर्दे गंदे हो गए, खराब हो गए, नए बनवाने, सोफों का भी तो कपड़ा बदलवाना था ना, तो इसी बहाने अच्छा हो गया। इकरा, हे ब्यूटीफुल गर्ल्स, हाय। तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? क्या नबील की जगह पर एक नए लड़के को जॉब पर रखा है? सुना है बहुत हैंडसम है। बात सुनो, तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिल जाती है? ऑफिस बॉय बता रहा था, कह रहा था कि कल उसकी मीटिंग सर अकबर से भी हुई है। चलो फिर तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें नया टाइम पास जो मिल गया। वेरी फनी। बहुत बदतमीज़ हो तुम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर साहब होंगे? आपका नाम? शेरा रहमत जी। किस सिलसिले में मिला आपको? फिर आ जाओ बेटे जी। जी अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस काम काम काम, नो आराम। ओह माय गॉड, तुम लोगों ने देखा वो लड़का कितना हैंडसम है ना? और उस हैंडसम ने तुम्हें लिफ्ट तक नहीं कराई, बड़ा अफसोस हुआ। एक्सक्यूज मी, निदा को इग्नोर करना इतना आसान नहीं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। करीम सुनो, इधर आओ। जी निदा मैम। ये जो भी लड़का अंदर गया इसका नाम क्या है? ये जो भी ऑफिस में है इनका नाम शहरयार अहमद है। ठीक है तुम जाओ। शहरयार अहमद, चलो तुम तो गई काम से। ये यहाँ पे जॉब करने आया है? नहीं नहीं, शॉपिंग करने आया है, जाहिर है ऑफिस है, काम ही करने आया है। वैसे इकरा तुमको कैसा लगा? मेरे पास टाइम नहीं है भाई इतने फजूल कामों का, आज वैसे ही बड़ा काम है। लगता है इकरा को कुछ खास पसंद नहीं आया, मेरे ख्याल में उसको वेलकम करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, जाओ जाओ, हमारी तरफ से भी पूछ लेना, जाओ जाओ जाओ। शर्ट तो बड़ी जबरदस्त पहनी। थैंक यू। कंपनी के पैकेजेस तो इतने हैवी नहीं है कि हम लोग ब्रांडेड आइटम्स पहने। सर टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये जॉब मैं अपने शौक और एक्सपीरियंस के लिए करना चाहता हूँ। ओके। वरना मेरे फादर की जायदाद काफी थी मेरे लिए।
सर्वाइव कर सकता हूँ। वालिद बुजुर्गवार क्या करते थे? सर उनकी फैक्ट्रीज है, बिजनेस और जायदाद है। बस मेरा बचपन से शौक था कि पढ़कर जॉब करूं, इसलिए यहां तक चलाया। ओके शरियार, वर्ड ऑफ एडवाइस, यहां जरा लड़कियों से ज्यादा मिक्सअप होने की जरूरत नहीं है, जरा दूर ही रहो। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम से पहले इन्फॉर्म कर दिया। वैसे मुझे किस लड़की से बच के रहना होगा? निदा, बी केयरफुल ऑफ हर। और शाजिया तो बेचारी सिंपल सी लड़की है, और जहां तक इकरा का सवाल है, वेरी सोबर, वेरी हार्ड वर्किंग, मुखलिस लड़की, बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। इकरा, फिनिश योर टीम। थैंक यू सर। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सुनो करीम, इधर आओ। जी निदा मैम। ये जो बॉस के कमरे में डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है शहरयार के साथ, क्या हो रही है? शहरयार साहब कोई आम आदमी नहीं है, उनके बाप की फैक्ट्रियां हैं, जमीनें हैं, नौकरी तो यूं ही कर रहे हैं वो। हाय अल्लाह, इतने अमीर हैं? सब झूठ है यार, इतने अमीर आदमी को भला 40-50 हज़ार की जॉब करने की क्या जरूरत है? शाजिया मैम वो बता रहे थे नौकरी तो वो शौक में कर रहे हैं। लो ये अच्छा शौक है, खुद की फैक्ट्री है और दूसरों की नौकरी करने चले। तुम्हें तो बस दूसरों के बारे में फतवा देना आता है। चंद ही दिनों की बात है, उसकी असलियत सामने खुल कर आ जाएगी। शाजिया सुबह मैंने तुम्हें इस तरह की ब्लू फाइल दी थी ना, अयाज एंटरप्राइज की, कहाँ है वो? मेरी टेबल पे ही तो है। अरे छोड़ो अयाज को, तुम्हें पता है शहरयार के बारे में? ओह माय गॉड, उसका बाप बहुत अमीर है, ये फैक्ट्रियों का मालिक है, और ये तो जॉब वो वैसे शौकिया कर रहा है, और इसको देखो ये तो मान ही नहीं रही, कह रही है झूठ बोल रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है ना शहरयार में ना उसकी जायदाद में। फाइल किधर है? वहाँ। हाँ वहीं। मैं देख कर आती हूँ। सुन लिया, तसल्ली हो गई? तुम पियो चाय। जाऊँ मैं? बहुत खूब, वेल डन इकरा, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है आपने। एमडी भी आपके काम से बहुत खुश हैं, बहुत तरक्की करेंगी आप। शुक्रिया सर। माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है आप में। बाय द वे वो मैंने बोनस चेक आपका साइन कर दिया है, अकाउंट से लेते जाइएगा। मैं ले लूंगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। मैं जाऊं सर? मैं कमिंग सर। यस आइए शहरयार साहब बैठे। श्योर मिस्टर शहरयार, वेलकम टू आवर ब्रांच। हमें यहाँ मेहनती और काबिल लोगों की बहुत जरूरत है। आपके सामने से अभी अभी ये जो लड़की गई है, इसने अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से इस कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया है। कंपनी ऐसे लोगों की बहुत कदर करती है और कंपनी को ऐसे ही लोगों की बहुत जरूरत भी है। मैं आपसे भी इसी चीज की उम्मीद करता हूँ। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी किस्म की शिकायत ना होने दूं। यू आर वेलकम हियर अगेन, और आपको अपना काम भी बता दिया जाएगा, और आपको कोई भी इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी सर। विश यू गुड लक। थैंक यू। कासिम, सर अकबर कह रहे हैं कि हमारे बोनस के चेक्स रेडी हैं, वो जरा दे दो प्लीज। ओके पहले इस पे साइन कर दें। ये तुम्हारा भी नीचे लिखा नाम, ये बस है। कर भी लो। थैंक यू सो मच। फाइनली मेहनत का सला मिल ही गया। बिल्कुल, पता है मैं तो इस बोनस का किसी को नहीं बताऊंगी। सोच रही हूँ सोना सस्ता हुआ हुआ है, सोने की दो चार चीजें खरीद लूँ। और मेरी बात सुनो, तुम भी ऐसा ही करना, वरना लास्ट टाइम की तरह मुंह बना के बैठी रहोगी।
मैं ऐसे नहीं कर सकती शाजिया। बहुत भरोसा करके भेजते हैं हमारे माँ बाप हमें यहाँ, बहुत एतमाद होता है उनका। मुझे नहीं लगता मुझसे ऐसे कुछ होगा। इकरा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे यार कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार रुपए ही अपने लिए बचा लो, कोई छोटी मोटी चीज ही खरीद लो। ये चीटिंग है यार, अम्मी ने मुझसे पूछा तो मुझसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। मैं थोड़ी कह सकती हूँ कि हाँ इतने पैसे मिले थे ये वो सब कुछ। आखिर तुम पैसे कमाती हो, तुम्हारा भी उस पे कुछ हक है। तुम इतना दबती क्यों हो घर वालों से, उनको दबाओ। अब मुझे ही देख लो, मेरी अपनी अम्मी की आवाज मेरे सामने नहीं निकलती, डरती है मुझसे। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मेरे बस की बात नहीं है। ना मुझसे झूठ बोला जाता है, ना मुझसे कुछ छुपाया जाता है। फिर वैसे भी मेरा मानना है जो इंसान की किस्मत का होता है वो उसको मिल जाता है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हम गधों की तरह यहाँ पे काम करें, मेरी शादी करवाने के बजाय मैं उन लोगों को बाप की तरह पालूं। और वैसे भी इस दुनिया का उसूल है ये कि जो दबता है उसे लोग और दबाते हैं। ठीक कह रही हो तुम शायद, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या बात है? मैं काम कर रही थी बावर्ची खाने में। ये आपके लिए, पूरे 42,000 है। लेकिन ये इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे बोनस मिला है आज अम्मी। अच्छा इतना ज्यादा? बेटा तुमने तो बेटों से बढ़ के काम किया है, खुश रहो। अब ना हम इन पैसों से ना सारे घर का काम करवाएंगे। देखिए जरा पेंट कितना खराब हो गया ना, पर्दे भी नए आने वाले हैं। नहीं मैं ये पैसे फालतू कामों में नहीं लगा रही बेटा। अम्मी फालतू काम थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से पूछूंगी, जो वो कहेंगे ना वही करूंगी। ठीक है? वैसे मुझे पता है आपको ही मसला होना, उनको तो होगा नहीं। अच्छा बेटा मैं जरा ये पैसे रख के आती हूँ। कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार रुपए ही अपने लिए बचा लो, कोई छोटी मोटी चीज ही खरीद लो। अब तो पैसे आ गए ना, आप ही हमने जो बुटीक में सूट देखा था ना वो ब्लैक वाला, अब मैं वो ले लूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है पैसे उड़ाने की, फजूल में 2 सूट ले लेंगी, एक ब्लैक सूट ले लेंगी। 2 सूट ही तो लेने हैं उसने, लेने दे। बेटा तुम अपने लिए भी कुछ रख ले दो। मुझे जरूरत ही नहीं होती पैसों की, क्या करूंगी मैं रख के। देखा आपने मेरी इकरा कितनी मासूम और सादा है, देख लें आप। वो अम्मी मैं कह रही थी कि घर को सही करवा लेते ना, पैसे हैं हमारे पास तो। ये लड़की भी घर को ठीक कराने और सजाने के लिए दीवानी रहती है। Excuse me, यहाँ मेरा नेट नहीं चल रहा, प्लीज चेक कर देंगे? Excuse me. एक ईमेल ड्राफ्ट कर देंगे आप प्लीज? मैं एक्चुअली बिजी हूँ काफी, आप काइंडली कुछ कर दें। इकरा एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा। ये मेरा मसला नहीं है, आप किसी से कह के नेट फिक्स करवा लें अपना। बॉस तो कह रहे थे कि आप बहुत काबिल हैं और कोऑपरेटिव हैं।
गलत सुना था आपने, ऐसा नहीं है। मिस्टर इकराम दोनों कॉलीग्स हैं। मिस्टर शहरयार आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप निदा या शाजिया में से किसी से पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगी। अगर मैंने उन्हीं से कहना होता तो मैं आपको क्यों कहता? और वैसे भी सर अकबर कह रहे थे आप लिखती बहुत अच्छा। लाइए दीजिए। ठीक है मैं कर रही हूं। थैंक यू सो मच। You're welcome. Yogi? चलो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू। सुनो वो क्या कह रहा था? दिमाग खराब करने के अलावा और काम है उसके पास? अच्छा इसीलिए हंस हंस के बातें कर रहा था तुम्हारे साथ? यार वो एक ईमेल करने का कह रहा है मुझे, कह रहा है उसका नेट नहीं चल रहा। तो दिखाओ। अरे ये मेरे पास है ना इसकी कॉपी, कहो तो बना दूं। तुम कर दोगी प्लीज? हाँ। थैंक यू सो मच निदा, तुम कर दोगी? ठीक है मैं अकाउंट्स पे जा रही हूँ, मुझे काम है। सिली गर्ल। मुझे कॉन्ट्रैक्ट की ईमेल अर्जेंटली कर दे प्लीज। अभी कर देता। शहरयार ये जो आप ईमेल की कॉपी मांग रहे थे ये लीजिए। थैंक यू सो मच निदा। वैसे आपको उस सड़ू को कहने की क्या जरूरत थी? इससे बेहतर था आप मुझे कह देते। बस वैसे ही कह दिया। दिमाग खराब है उस लड़की का, धनी खुद को क्या समझती है। लेकिन अगर आपको कोई भी काम हो ना आप मुझे कह सकते हैं। क्या आप हर बार फारिग होती हैं? नहीं मैं फारिग तो नहीं होती हूँ, लेकिन आपके लिए अपना वक्त निकाल सकती हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग आपस में कोलीग्स हैं और एक दूसरे की हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना। नेता मैं आपके जज्बा इंसानियत की और खिदमत हल की कदर करता हूँ। थैंक यू। क्या कह गया सड़ू गई का, पता नहीं खुद को क्या समझते। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? अभी अभी अपने लिए चाय बनाई मैंने, तुम पियोगी चाय? नहीं। अम्मी हाँ? आपने ये नया सेट क्यों निकाला? वो आसमां से कप टूट गए थे। क्या मतलब है कप्स टूट गए? अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है मुझे लेकर आए हुए अम्मी, नया सेट है कैसे तोड़ दिया आपने? आप समझाती क्यों नहीं है आसमां को कि चीजें आराम से इस्तेमाल किया करें? अरे हाथ से फिसल के टूट गया ना, छोड़ो। कमाल कर रही हैं आप, टूट गया उससे मतलब कब बड़ी होगी, कब समझेगी कि चीजें पैसों की आती है, मुफ्त में नहीं आती। अम्मी पहले ही मैं ऑफिस में इतना खुआर होकर आती हूँ, 10,000 बसें बदलनी पड़ती है मुझे, घर हो तो आप लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते। और कहाँ है ये आसमा, डस्टिंग की है इसने आज? तुम्हें पता है उसके एग्जाम हो रहे हैं, नहीं की मैं कर दूंगी। अम्मी मैं घर पे होती थी ना तो हर कोना चमक रहा होता था, अब आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं होती कि सफाई कर लें हल्की सी। मैंने अभी सारा फर्नीचर पॉलिश करवाया है, ये सब पैसों से काम होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं कमाती हूँ ना तो दर्द तो मुझे होता है। क्या हो गया बेटा तुम्हें, इतना क्यों चीख रही हो? कमरे में जाओ मैं चाय बना के लाती हूँ। आप रहने दें, खुद ही पिए चाय। और एक काम करें, जो बाकी के कप्स बच गए हैं ना वो भी तोड़ दें, फर्नीचर को भी आग लगा दें। मैं यहाँ कमा कमा के पागल हो जाऊं, आप लोगों के लिए फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। मैं
इकरा को समझने की कोशिश करो आलिया। क्या समझूं? कितनी बातें सुना दी हैं आज उसने मुझे। ये वही इकरा है जो मेरे सामने नजरें नहीं उठाया करती थी, और आज मैं उसकी मां उसके सामने नजरें झुकाई खड़ी थी। पर भाई ऑफिस में काम का बहुत बोझ होता है, इंसान परेशान हो जाता है। वो याद नहीं मैं भी बाल दवा खड़ाया करता था तो कितने गुस्से में होता था। आप मुझे इतनी बातें तो नहीं सुनाया करते थे ना? बेटी है, कमा रही है, रोक तो डालेगी ना। फिर हम सबको जो पाल रही है, हम सब उसके दस्ते निगर हैं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैंने कब सोचा था कि बेटी की कमाई भी खानी पड़ेगी और जूतियां भी। बस करो आलिया, बस करो। अरे भाई अगर वो नौकरी कर रही है तो हम पे एहसान कर रही है इस हालत में, और थोड़ा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बेहतर हो रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। ये देखो मेरा पैर ये ऐसा ऐसा हरकत करने लगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो ये मेरी उंगलियां हरकत कर रही है, अनकरीब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हिल रही है, अल्लाह का शुक्र है आपकी उंगली, हम यहाँ आपको ठीक कर दे बस, या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी। हाँ क्या बात है? नाराज है मेरे से? नहीं तो। I'm sorry. आज ऑफिस में बहुत डांट पड़ी है मुझे, पता नहीं खाम खास सर मेरे नुक्स निकाले जा रहे थे, ऊपर से शहरयार तंग कर रहा था मैं, पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या कह दिया आपसे। तुम्हें हमारी वजह से काम भी तो इतना करना पड़ता है, क्या वो अगर माँ को डांट दिया तुमने? ऐसे तो नहीं कहे, आइंदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है, देर हो जाएगी। आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, जा सो जाओ। बहुत शुक्रिया। अरे शगुफ्ता बाजी कहाँ चली गई थी आप, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ वो एजाज की सऊदी अरब में जॉब लग गई है तो मैं भी अम्मी की तरफ ही शिफ्ट हो गई। चलो ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे मियाँ सेट हो गए, पहले तो बड़ा खपाया हुआ था उन्होंने तुम्हें। जी आंटी अल्लाह का शुक्र है। हाँ अब तो मैंने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी है, सारा दिन मैं घर पर ही होती हूँ। अम्मी की तरफ मैंने फ्लैट भी ले लिया है और बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल भी करा दिया। भाई बड़ी खुशी हुई सुनकर। अच्छा अच्छा चाय तो ले। आप सुनाए अंकल कैसे? हाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है पहले से, अब तो वॉक भी शुरू कर दिया उन्होंने और मस्जिद भी जाने लगे हैं माशाल्लाह से। और इकरा नजर नहीं आ रही, क्या शादी कर दी आप लोगों ने उसकी? इकरा ऑफिस गई भी है, जॉब करने लगी थी ना वो। अच्छा अभी भी जॉब कर रही है वो? हाँ तो और क्या, अरे सारे घर का बोझ उठा रखा था उसने, और अब तो तरक्की भी हो गई है उसकी। थी इतनी होने हार, उसकी तो तरक्की होनी ही थी। मैं दरअसल इसलिए आई थी कि क्या बात है, खुल के बात करो। आसमा तुम जरा बावर्ची खाने में जाओ, रात के खाने का इंतजाम करो। जी अम्मी।
दरअसल आंटी मेरा भाई प्रमोशन होके बाहर जा रहा है तो अम्मी तो मेरे पास आ जाएंगी। हम चाह रहे थे कि उनके जाने से पहले उनकी शादी करते। अच्छा तो क्या तुम इकरा के लिए? हाँ आंटी, मुझे तो वैसे आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अभी इकरा की शादी नहीं कर सकती, तो इसलिए हम सोचे थे कि आसमा के लिए अगर आप सोचें। वैसे भी मेरे भाई को जॉब करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। वो 5 साल के लिए अमेरिका जा रहा है और हमें तो बहुत जल्दी है शादी की। सच कहूँ ना आंटी, तो बहुत रिश्ते देखे मगर कहीं दिल ही नहीं मानता। बस आपसे अंकल से पूछ लें, हम तो सादगी से ये रिश्ता कर देंगे, हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए।